फ्रेंड्स वेलकम टू बीसीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है हम एयरफोर्स के लिए कंप्लीट ल्यूसेंट सीरीज लेकर आए हैं, ठीक है। तो ल्यूसेंट सीरीज में अब तक हमने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था, और हाँ मैथ्स का भी हमने चैप्टर नंबर 7 ही क्लियर कर लिया है, ठीक है भाई। तो कोई प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है भाई। किसी को कुछ डाउट हो, कुछ किसी सवाल में क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वहाँ से आप नंबर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम आती है रिलेटेड टू एयरफोर्स एनडीए नेवी एसएसआर, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। बेझिझक बे टेंशन, मतलब कोई बिना टेंशन के आप कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे एयरफोर्स फिजिक्स का चैप्टर नंबर एट है हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी, मीन्स कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। पहले मैं एक थोड़ी सी सिंपल सी डेफिनेशन में आपको समझाता हूँ भाई, क्या होता है वर्क, क्या होता है वर्क, ठीक है भाई। वर्क क्या होता है बताइए भाई। वर्क वो होता है, एक सेकंड मैं थोड़े से इसके, हाँ बताइए वर्क क्या होता है। वर्क होता है जैसे कि आप पढ़ रहे हो, आपका पढ़ना ही क्या हुआ, एक वर्क होगा, ठीक है भाई। पढ़ रहे हो, कुछ कर तो रहे हो ना, कुछ करना ही एक वर्क कहलाता है। क्या याद रखो, कि सिंपल सी डेफिनेशन में अगर मैं बताना चाहूँ कुछ करना क्या कहलाता है, एक वर्क कहलाता है। मान लिया कि कुछ कोई वस्तु रखी इधर, मैंने इसे उठाकर इधर रख दिया तो क्या किया यहाँ पर, वर्क किया, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखा, ये क्या होगा हमारा वर्क किया हमने, ठीक है। और बात आती है फिर पावर, एक सेकेंड, पावर क्या होता है, पावर होती है भाई यहां से हमने उठाकर इसे रखा तो कुछ ना कुछ यार इसमें वजन भी होगा, और वजन होगा तो इसे उठाने के लिए हमें जान भी लगानी पड़ी होगी थोड़ी बहुत। तो यहां से उठाने पर यहां तक जो लेकर आए कुछ ना कुछ हमने पावर, किसी पावर से लेफ्ट किया होगा, उठाया होगा इसे, ठीक है। यहाँ से उठाना, पावर से किसी भी मतलब जान लगा के उठाना क्या कहलाता है, यहाँ से पावर, याद रखना एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो क्या होती है पावर की डेफिनेशन, यहाँ से कि थोड़ी सी हम जान लगाकर अगर इस वस्तु को उठाने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पावर, ठीक है, पावर बोल लेना उसे। और एनर्जी, यहाँ से आपने मान लिया कि ये वस्तु है कोई, ठीक है, यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाए आप इस वस्तु को, यहाँ से उठाकर आप यहाँ तक लाए, आपने क्या हुआ उठाकर तो लिया, वर्क कर दिया, और किसी पावर से भी उठाया तो चलो ये भी ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पर लाओगे तो आपको थका, अगर वजनी चीज़ है तो आपको थका सा महसूस होगा यार, बहुत मतलब ऐसा लगेगा बहुत ही थक चुके हैं हम, तो क्या हुआ हमारी एनर्जी क्या हुई, लॉस्ट हुई, ठीक है। तो यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक एनर्जी की, ठीक है भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्क भी समझ गए होगे आप, पावर भी और एनर्जी भी, सिंपल सी डेफिनेशन थी जो मैंने, मतलब डेफिनेशन नहीं, एक सिंपल देसी फंडा होता है जैसे कि या इनके बारे में पता होना चाहिए, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, ठीक है। अब आते हैं बुक लैंग्वेज पर, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम बुक लैंग्वेज में। यहाँ पर सिंपल फर्स्टली डेफिनेशन है वर्क की, वर्क क्या है यहाँ पर, किसी बल द्वारा किया गया कार्य, बल के विस्थापन की दिशा के अनुदिश, घटक और विस्थापन के परिणाम के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि बल तथा विस्थापन का गुणनफल, अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। और ये क्या है, एक वर्क कैसी राशि है, एक अदिश राशि, अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक सिंपल से शब्दों में क्या बोल रहे हैं हम कि किसी विस्थापन और बल उस पर, उस वस्तु पर किसी, मतलब किसी वस्तु को के विस्थापन और उस वस्तु पर लगाए गए बल के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम, कार्य कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन में अगर हम यहाँ से बताएं तो क्या होगा, W बराबर F इंटू S, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखे, मतलब इसका तो W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S, मतलब इन दोनों का क्या होगा, अदिश गुणनफल, अदिश मतलब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है भाई। देखते हैं हम कार्य की माप, कार्य की माप क्या होती है, हाँ कार्य की माप, यदि वस्तु पर F बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन क्या हो, S हो, तो किया गया कार्य क्या होगा भाई, जो बताया आपको W बराबर F इंटू S, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यदि क्या,
कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल क्या हो, F इस प्रकार लगता है, मतलब किसी वस्तु पर बल इस प्रकार लगाया जाता है कि वह बल की दिशा में, दिशा से थीटा कोण पर झुकी जाती है, मतलब झुक गई, और S दूरी पर चलती है। तो मतलब यहाँ से क्या होगा, ये F बल इस तरीके से लगाया जाता है कि वो किस तरीके से चलती है, S विस्थापन तय कर देती है। तो यहाँ पर इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, S cos थीटा, अगर ऊर्ध्वाधर भुज है तो यह क्या होगा यहाँ से, S sin थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या ले रहा है, हमने बताया कि यहाँ पर क्या होगा, थीटा एंगल बनाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, W बराबर क्या होगा, विस्थापन क्या हो जाएगा भाई, S into cos थीटा। तो W बराबर क्या होगा, FS cos थीटा। इसे क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर, F डॉट वेक्टर S। समीकरण क्या, समीकरण क्या बनती है यहाँ से हमारी, W बराबर FS cos थीटा। कोई प्रॉब्लम, W बराबर FS cos थीटा, सिंपल सी डेफिनेशन बताएगी। अगर वो क्या हो, उस पर बल, F बल लगाया जाता है, और वो F बल लगाने पर क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है और S विस्थापन की ओर चलने लगती है। तो क्या बनता है यहाँ से, W बराबर FS cos थीटा। ठीक है, यदि क्या, थीटा बराबर क्या रख दिया जाए, 0 डिग्री, यानी विस्थापन और बल की दिशा, मतलब यदि विस्थापन क्या हो, बल की दिशा में हो, थीटा बराबर क्या रख दिया जाए यहाँ से, 0 डिग्री। तो आपको पता है कोस जीरो का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ से क्या होगा, W बराबर क्या होगा, F इंटू S। यदि थीटा बराबर क्या रख दिया, 90 डिग्री, यानी विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत रख दिया जाए, तो यहाँ से क्या होगा, W बराबर FS cos 19। cos 19 का मान क्या होता है, 0, और जो कि यहाँ से क्या आ गया, 0 आ जाएगा। अगर W मतलब किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0, अगर एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। ठीक है भाई, हाँ। तो यहाँ से अगर क्या, थीटा इज स्मॉलर देन इक्वल टू, सॉरी स्मॉल इक्वल टू नहीं, थीटा स्मॉलर देन है 90 डिग्री से, तब कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। यदि क्या हो, थीटा बड़ा है 90 डिग्री से, तो क्या होगा, कार्य नेगेटिव होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, नोट में देखते हैं हम, यहाँ पर नोट में क्या बोला है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नियत चाल से गतिमान होती है, मतलब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर, एक गोलाकार मतलब वृत्ताकार मार्ग पर नियत चाल से, बिल्कुल एक ही कंडीशन, एक ही चाल से, एक ही स्पीड से चल रही है, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर किया गया कार्य अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जो केंद्र की ओर लगता है, अभी मतलब केंद्र की ओर बल लगने वाला क्या बोलता है, अभिकेंद्रीय बल, और वस्तु के विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब अभिकेंद्रीय बल जो यहाँ से लग रहा है और वस्तु का विस्थापन ऐसे चल रहा है, एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अतः अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा भाई, शून्य होगा, क्योंकि लंबवत है, उसका मतलब थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। आपको पता है W बराबर FS cos थीटा होता है, FS cos 90 का मान होता है भाई 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कंप्लीट पूरा 0 वर्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं भाई, परिवर्ती बल क्या होता है, परिवर्ती बल होता है वेरिएबल फोर्स जिसे बोलते हैं हम, जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण या दिशा दोनों ही समय के साथ वस्तु स्थिति के साथ बदलते हैं। कहने का मतलब, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो उसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ या वस्तु की स्थिति के साथ, समय के साथ या वस्तु की स्थिति के साथ बदलते हैं, तो इस प्रकार बल जो लगता है उसे क्या बोलते हैं हम, परिवर्ती बल। कहने का मतलब, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उनका परिमाण व दिशा समय के साथ या वस्तु की स्थिति के साथ चेंज होते रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, परिवर्ती बल लग रहा है भाई वहाँ पर। अब देखते हैं परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, हाँ, तो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य है, तो क्या परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य है, यदि किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति, मतलब अंतिम विस्थापन क्या है, क्रम से S1, प्रारंभिक तो क्या है S1 और अंतिम क्या है S2, तो परिवर्ती बल क्या होगा भाई बताइए, तो किया गया कार्य या परिवर्ती बल होगा W बराबर, यहाँ पे लिमिट S1 ले लेंगे यहाँ से, मतलब अपर लिमिट क्या है S1 और लोअर लिमिट क्या है S2, तो F इंटू DS क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, लिमिट लेंगे इंटीग्रल ऑफ S2 to S1 F into DS। ठीक है भाई, परिवर्ती द्वारा बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये होगा क्या, W बराबर इंटीग्रल ऑफ F into DS S2 S1। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या,
कार्य के मात्रक। तो कार्य के मात्रक क्या होते हैं? कार्य की एसआई जूल, मतलब ऐसा इकाई जो होती है क्या होती है? जूल। एवं सीजेस इकाई को क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। और कार्य की अन्य इकाई भी हैं जो क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो वोल्ट। ठीक है, हाँ तो देखते हैं नेक्स्ट। और हाँ यहाँ से देखते हैं भाई कि 1 जूल बराबर होता है 10^7 अर्ग के। 1 जूल बराबर, बस आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना है, ठीक है? 1 जूल बराबर होता है 10^7 अर्ग के, और 1 अर्ग बराबर होता है 10^-7 जूल के। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10^-19 जूल, और 1 जूल बराबर होता है 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस आपको ये याद रखना, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, ठीक है? बात आती है अब एनर्जी। जैसे कि आपको सिंपल सी डेफिनेशन में मैंने बता ही दिया एनर्जी क्या होती है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम एनर्जी। एनर्जी क्या? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है या ऊर्जा कहलाती है। इसकी गणना वस्तु द्वारा किए गए कुल कार्य से होती है। इसकी गणना किससे होती है? वस्तु द्वारा किए गए कुल कार्य से होती है। ऊर्जा के मात्रक एवं विमा कार्य के समान ही हैं। जो ऊर्जा के मात्रक, जो कार्य के मात्रक हैं वही ऊर्जा के मात्रक है, ठीक है? अर्थात जैसे कि कार्य के समान ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। जैसे कि कार्य एक अदिश राशि है, उसी प्रकार से ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, ठीक है? ऊर्जा कई प्रकार की होती है। जैसे कुछ मैं बताता हूँ यहाँ से, कुछ ऊर्जाएं यांत्रिक ऊर्जाएं, उष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा आदि, ठीक है? चलो अब बात आती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है देखते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, गति के कारण, एक सिंपल सी बात बताऊंगा, तो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। एक यहां से हम देखते हैं डेफिनेशन में अब कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा सदैव क्या होती है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। यह भी एक क्या है? सी राशि है, अधिश राशि। जैसे कि आपको पता है ऊर्जा एक अधिश राशि होती है, तो यह भी कैसी राशि है? एक अधिश राशि है। यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु वी वेग से जा रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी भाई? के बराबर ½mv². तो याद रखना कि गतिज ऊर्जा क्या होगी, यदि कोई वस्तु m द्रव्यमान की है, वी वेग से गतिमान है और के गतिज ऊर्जा है उसकी, तो के बराबर क्या होगा? यहाँ से ½mv², तो क्या होगा? के बराबर ½mv², कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बात आती है घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है कि यदि घूर्णन अक्ष के परीत है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या है? आई है, तथा कोणीय वेग ओमेगा है, तो क्या होगा? के बराबर I×ω². यहाँ से क्या होगा? घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर I×ω². तो फ्रेंड्स घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? के बराबर ½I×ω². तो यहाँ से क्या? घूर्णन मतलब घूर्णन गतिज ऊर्जा, मतलब घूर्णन के कारण जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? घूर्णन गतिज ऊर्जा, ठीक है? जड़त्व आघूर्ण आई है और ओमेगा क्या है? कोणीय वेग, तो यहाँ से के बराबर होगा I×ω², कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखते हैं गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध। हमें पता है भाई क्या? के बराबर होता है ½mv² और एक संवेग होता है संवेग p बराबर, पहले एक सेकंड, संवेग p बराबर क्या होता है? mv। संवेग p बराबर क्या होता है यहाँ से? mv। संवेग p बराबर mv होता है। हमें बताना गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध, ठीक है भाई? तो k बराबर क्या होता है? ½mv², मैंने कहा कि m के नीचे मल्टीप्लाई कर दो भाई, m के ऊपर कर दो, तो यहाँ से क्या होगा? ½mv² v² / m, तो यहाँ से 1/2 mv² को क्या लिख सकते हैं? mv को क्या लिखते हैं? p, और m² v² है तो इसे p का स्क्वायर कर देंगे अपॉन m, ठीक है? तो यहाँ से क्या आ गया? के बराबर ½p² / m, ठीक है? नोट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसमें यदि एक हल्के तथा एक भारी पिंड के संवेग p समान है तो जिस पिंड का द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी,
कहने का मतलब जिस यदि मान ले कि संवेग क्या है दोनों के लिए पी समान है, ठीक है, और तो फिर गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी। क्वेश्चन आता है यार कि किसी पिंड का संवेग समान है उसकी गतिज ऊर्जा मतलब किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो आप बताओगे जिस पिंड का द्रव्यमान कम होगा, ठीक है भाई। हाँ, इसके विपरीत यदि हल्के तथा एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा, ये उसका संवेग भी अधिक होगा। तो कहने का मतलब यदि गतिज ऊर्जा समान है तो पिंड का द्रव्यमान भी इससे अधिक होगा और उसका संवेग भी अधिक होगा, ठीक है भाई। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। वस्तु की गतिज ऊर्जा मात्र इसकी चाल पर निर्भर करती है। वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, इसकी चाल पर। के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर है ना, तो चाल पर तो निर्भर करेगी। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, चाल पर निर्भर करती है, तथा इसके वेग पर नहीं, इसके वेग पर निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। उदाहरण के लिए एक समान वृत्त गति, एक सेकंड, उदाहरण के लिए बोल रहे हो कि एक समान वृत्त गति में वस्तु की चाल क्या होती है, नियत रहती है, जिस जबकि इसका वेग गति की दिशा में परिवर्तन के कारण निरंतर क्या होता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। यही कारण है कि एक समान वृत्त गति करने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, नियत रहती है। इसका यही रीज़न है, क्योंकि उसकी जो चाल होती है ना कॉन्स्टेंट रहती है, तो इसका मतलब चाल कॉन्स्टेंट है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि एनर्जी जो क्या होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, स्पीड पर डिपेंड होती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ई क्या। चूँकि वस्तु की चाल और द्रव्यमान धनात्मक भौतिक राशियां हैं, इसलिए गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बताया भी आपको, पीछे भी बताया कि वो क्या होगी गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं पार्ट एफ में, वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर करती है, निर्देश तंत्र पर ऊर्जा कर मतलब निर्भर करती है। नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा प्रमुखतः इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रमुखतः किस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे क्या बोलते हैं ईवी से व्यक्त किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईवी से व्यक्त किया जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर से गुजरता है तो इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सिंपल सी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बताएंगे तो क्या कि एक सेकेंड कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर से गुजरता है तो इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि एक जूल बराबर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए, तो आप बताओगे 6.25 × 10⁻¹⁸, क्योंकि 1/10 करके इसे लिख देंगे प्लस 18, ठीक है, कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं, बात आती है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्या कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किसी पिंड पर किया गया कार्य, मतलब इस अकॉर्डिंग टू द थ्योरम क्या कि किसी बल द्वारा किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात क्या कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो कहने का मतलब जो उस पर किया गया कार्य, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो परिवर्तन पहले गतिज ऊर्जा K1 मान ले, K1 है या K2 माइनस K2, तो इनके डिफरेंस के, तो W बराबर यहां से क्या होता है, W बराबर डेल्टा K, याद रखना कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार W बराबर डेल्टा K, ठीक है। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ तो यहाँ से क्या होगा भाई, के बराबर डब्ल्यू बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम संवेग की फॉर्म में, कैसे, क्योंकि वी नो क्या पी बराबर एम वी, यहाँ से इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, बताया था मैंने रिलेशन आपको गतिज ऊर्जा और उसमें गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध बताया था, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा पी एफ स्क्वायर अपॉन 2m माइनस का पी आई अपॉन 2m। तो यहाँ से क्या पी आई और पी एफ क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से पहले बताता हूँ आपको, यू क्या है यहाँ से प्रारंभिक वेग, वी है अंतिम वेग, पी एफ है अंतिम संवेग, ठीक है, याद रखना पी एफ क्या है अंतिम संवेग और पी आई क्या है प्रारंभिक संवेग, ठीक है भाई, याद रखना है आपको ये, इनसे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ने वाला वैसे, ठीक, सही बताऊँ तो मैं आपसे। अब देखते हैं नोट में क्या कि नोट नंबर ए में, यदि पिंड की चाल में कोई परिवर्तन न हो
तो किसी उस तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। कहने का मतलब उसमें यदि किसी वस्तु की चाल में, यदि वस्तु की चाल में क्या हो, परिवर्तन ना हो, इसका मतलब जो चाल पहले थी वही चाल रहे थे। v बराबर u हो जाए, अगर v बराबर u हो जाए तो क्या हो गया, आप यहाँ पर v बराबर u रखोगे तो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर, इसका मतलब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो w क्या होगा, शून्य होगा। किया गया कार्य क्या होगा भाई, जीरो होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बी, क्या पिंड की गतिज ऊर्जा में कमी होती है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। यदि पिंड की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, कमी हो रही है, ठीक है, इन डिक्रीजमेंट हो, डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब किया गया वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस स्थिति में बल तथा विस्थापन एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर, इसका मतलब वो डिक्रीमेंट हो रहा है। हाफ एम यू एम वी स्क्वायर क्या है, स्मॉलर देन है किसके से, किससे, हाफ एम यू स्क्वायर, मतलब पहली वाली जो एनर्जी थी वो क्या होगी, कम होगी किससे, दूसरे वाले से। तो के वन इज स्मॉलर देन किससे, के टू से। तो क्या होगा भाई, हमेशा जब बड़ी छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा, तो इसका मतलब कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में क्या बोल रहा है कि यदि पिंड का वेग, यदि पिंड का वेग एवं गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, यदि पिंड के वेग और गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि, डिग्री इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। तो क्या होगा, वही अपना कारण रीजन है। यदि क्या, इसका मतलब ये है कि जो हमारा के टू था, और के टू में क्या हो रही है, वो सॉरी के वन में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट मतलब के वन बड़ा आ रहा है के टू से, तो इसका मतलब बड़े में से छोटा घटाओगे तो भाई हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो यहीं से निकल के आता है कि क्या, अगर के वन में से हम के टू को घटाएंगे, क्योंकि के वन क्या है, बड़ा, और बड़े में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा, ठीक है। अगर छोटे में से बड़ा घटाते हैं तब नेगेटिव आता है, ठीक है भाई। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर डी। क्या यदि v वेग से गतिशील किसी पिंड पर अवरोधक बल या रिटार्डिंग फोर्स F लगता है, मतलब v वेग से कोई वस्तु गतिशील है उस पर एक अवरोधक बल F लगाया जाता है, तो जिससे पिंड क्या है, इस दूरी तय करते करते हुए रुक जाती है। मतलब क्या होता है, वस्तु S दूरी तय करते हुए क्या होती है, रुक जाती है। तो W बराबर क्या था, हम जानते हैं F इंटू एस, ऐसे क्या, या W बराबर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि कार्य और एनर्जी एक तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। हाँ, तो रुकने से पहले तय की गई दूरी क्या थी, ये बताएंगे, S बराबर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बटे अवरोधक बल या अवरोधक घर्षण बल। अगर यहाँ से पूछता हूँ मैं, अवरोधक घर्षण बल बराबर क्या होगा, आपको बताइए, म्यू एम जी हो तो क्या होगा, यहाँ से S बराबर क्या होगा भाई, S बराबर होगा वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी, क्योंकि हम बता भाई गतिज ऊर्जा तो क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर एम म्यू जी एच म्यू एम जी ओ है, मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ से एम से एम कैंसिल आउट कर देंगे तो हाफ तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, हाफ वी स्क्वायर अपॉन म्यू जी, ठीक है भाई, यही तो बचेगा। तो यहाँ से क्या होगा, अवरोधक घर्षण बल क्या होगा, एफ मतलब म्यू जी एच हो तो एस बराबर दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई अब देखते हैं संरक्षी बल, संरक्षी बल क्या होता है, चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं। संरक्षी बल क्या, वे बल जिनके अंतर्गत किया गया कार्य है पथ पर निर्भर नहीं करता, मतलब वे फोर्स, मतलब ऐसी ऐसा फोर्स जिनके द्वारा किया गया कार्य है जो पथ है पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। जो बल क्या करता है, वस्तु के जो रास्ते पर निर्भर नहीं करता, या तो फर्स्ट जो कंडीशन होगी जहाँ प्रारंभिक स्थिति फर्स्ट पे और लास्ट वाली स्थिति पे निर्भर ही करता है केवल, है ना। चलो तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम संरक्षी बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बलों के उदाहरण हैं। जैसे कि आपको पता है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल, मैंने मान लिया एक वस्तु यहाँ है एक वस्तु यहाँ है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल, मतलब इस वस्तु पर इस वस्तु के बीच, तो मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही तो निर्भर कर रहा है। तो संरक्षित बल के उदाहरण क्या हो गए, वैद्युत स्थिति, वो वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल मतलब पहली प्रारंभिक स्थिति और लास्ट कंडीशन पे, फर्स्ट कंडीशन और लास्ट कंडीशन पे जो फोर्स लगता है ना, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है,
मतलब संरक्षी बल, संरक्षी बल जो फर्स्ट और लास्ट कंडीशन पे लगता केवल, है ना। तो सभी केंद्रीय बल क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। संरक्षी बलों द्वारा बंद परिपथ में एक पूरे चक्र में किया गया कार्य क्या होता है, भाई शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं असंरक्षी बल। तो असंरक्षी बल, चलो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या यदि किसी बल के विरुद्ध किए गए कार्य की मात्रा पिंड द्वारा अनुग्रहित पथ पर निर्भर करती है, मतलब यदि किसी बल द्वारा किए गए, मतलब बल द्वारा के विरुद्ध किए गए कार्य की मात्रा पिंड द्वारा अनुग्रहित पथ, जो पिंड द्वारा, जो मतलब एक जो पथ पर अनुग्रहित किया जा रहा है, जिस पथ पर पिंड चल रहा है, तो ऐसे बलों को असंरक्षी बल कहते हैं। कौन से बल, जिसके विरुद्ध क्या होता है कार्य की मात्रा पिंड द्वारा अनुग्रहित पथ पर निर्भर करती है। ठीक है, तो घर्षण बल असंरक्षी बल का उदाहरण है। जैसे कि मैंने मान लिया कि ये कोई समतल है, ठीक है, और कोई साइकिल यहाँ पर चल के जा रही है, ठीक है, मान लिया कोई साइकिल है यहाँ पर, इस पर चल कर जा रही है इस पथ पर, तो इसका मतलब जो पिंड द्वारा अनुग्रहित, इस साइकिल द्वारा अनुग्रहित पथ है, मतलब नीचे जो रोड है, रोड जो इसके द्वारा अनुग्रहित पथ है, जो बल इस पर वर्क, इस पर विरुद्ध, इसके विरुद्ध कार्य कर रहा है, जो बल इसके विरुद्ध कार्य कर रहा है, उसे क्या बोल रहे हम, असंरक्षी बल। ठीक है भाई, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट समझते हैं स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या होती है, चलो इसे भी समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि किसी निकाय की वह ऊर्जा जो उसके कणों की, एक सेकंड, किसी निकाय की वह ऊर्जा जो उसके कणों की स्थिति, पोजीशन अथवा संरूपण के कारण उत्पन्न होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी वस्तु के स्थित होने, स्थित मतलब एक जगह स्थितिज होने की के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा। सिंपल सी डेफिनेशन में बताऊं तो इसे क्या, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, तो यू बराबर क्या होगा, एम जी एच। याद रखना स्थितिज ऊर्जा यू बराबर क्या होता है, एम जी एच, जहां एम क्या है वस्तु का द्रव्यमान, और एच क्या है वस्तु की ऊंचाई, और जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आते हैं स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा, सॉरी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हाँ, जब किसी स्प्रिंग को उसकी सामान्य स्थिति x बराबर 0 से कुछ खींचकर खींच दिया जाता है, तो वह क्या हो जाती है, संकुचित या संकुचित किया जाता है, तो इस दौरान उस पर दौरान किया गया कार्य एवं स्प्रिंग द्वारा संचित स्थिति ऊर्जा क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अर्थात यहाँ से क्या होगा, यू बराबर डब्ल्यू बराबर के हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, जहाँ k बराबर क्या है भाई, स्प्रिंग नियतांक, जिसे बोल लेंगे k बराबर क्या है, स्प्रिंग नियतांक। तो स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा ही प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, और यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है भाई, स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक। चलो भाई समझते हैं, किसी स्प्रिंग की इकाई विस्थापन पर, मतलब उत्पन्न प्रत्यानन बल को उस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक कहते हैं, अर्थात क्या होगा, के बराबर एफ अपॉन एक्स। इसका मतलब किसी वस्तु को, किसी स्प्रिंग या किसी, मतलब किसी स्प्रिंग की इकाई विस्थापन पर उत्पन्न प्रत्यानन बल, यदि हम क्या कहें, इसका मतलब है, कहने का मतलब, यदि किसी वस्तु पर जो या किसी स्प्रिंग का विस्थापन को क्या कर दिया, इकाई कर दिया, एक बना दिया जाए, तो उस वस्तु पर किया गया, मतलब बल, उस पर वस्तु पर लगाया गया बल क्या होता है, बल नियतांक के बराबर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट, नोट में क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। क्या स्थितिज ऊर्जा केवल संरक्षी बल के लिए ही परिभाषित है, असंरक्षी बल पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या स्थितिज ऊर्जा जो है केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही अप्लाई होगी, इसके लिए ही परिभाषित होगी, ठीक है, डिफाइन होगी, और असंरक्षी बल मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब समझते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करना,
क्या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार विश्व में ऊर्जा का कुल परिमाण क्या है, नियत रहता है। ऊर्जा को न तो क्या है उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बस आपको ये याद रखना है, आप अगर आपके सामने बोलता है भाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जल्दी से बताइए कि क्या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो आप बोलोगे कि क्या कि ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड में स्थित न तो किसी भी ऊर्जा को, मतलब ब्रह्मांड में ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, केवल इसे क्या होता है, केवल इसका रूपांतरण हो सकता है। कहने का मतलब इसको एक से दूसरी कंडीशन में बदला जाता है। मान लिया कि हमारे पास स्थिति ऊर्जा, तो इसे हमने गतिज ऊर्जा में बदल दिया, ठीक है, ये हम बस इसका रूपांतरण कर सकते हैं। तो समझते हैं, यह भौतिकी का आधारभूत सिद्धांत है, ठीक है। घर्षण बल की अनुपस्थिति में यांत्रिक निकाय में गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जाओं का योग क्या होता है, नियत रहता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कि के प्लस यू विल बी कॉन्स्टेंट, क्या होगा ये कॉन्स्टेंट होगा। इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी और हमारे यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, स्थिति मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमेशा इनका सम क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत रहता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या इसमें बोल रखा है कि क्या स्थिति ऊर्जा का निरपेक्ष मान नहीं होता, मतलब इसका कोई निरपेक्ष मान नहीं होता, यह न धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। इसका मान उस तरह मतलब उस सतह पर निर्भर करता है जहाँ स्थित ऊर्जा का मान शून्य होता है। कहने का मतलब उसका इसका जो मान निर्भर करता है उस सतह पर निर्भर करता है जहाँ स्थित ऊर्जा क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है भाई। चलो अब समझते हैं, या हम बोल सकते हैं कि द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन ऑन द चॉइस ऑफ रेफरेंस लेवल और वेयर द जीरो पोटेंशियल इज टेकन, मतलब क्या होगा, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, मतलब स्थिति ऊर्जा क्या होगी वहीं पर डिपेंड्स करेगा। तो बात आती है शक्ति, शक्ति आपने सुना होगा क्या शक्ति, शक्ति अभी मैंने सिंपल डेफिनेशन में बताया था क्या होती है, किसी वस्तु को हमने उठाने के लिए अपनी जान लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, दैट इज कॉल्ड पावर, पावर, ठीक है, पूरी कंप्लीट पावर लगा दी, ठीक है। पी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन टी, तो कहने का मतलब यदि मैं टी बराबर क्या कर दूं, वन रख दूं, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। तो इसका मतलब यदि किसी मतलब एक सेकंड में किसी वस्तु पर किया गया कार्य है, दैट इज कॉल्ड पावर, मतलब किसी वस्तु पर एक सेकंड में क्या किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे शक्ति कहते हैं। या सिंपल सी डेफिनेशन क्या, अकॉर्डिंग टू द बुक के अनुसार क्या है भाई, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, क्या कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं, अर्थात पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है, ठीक है भाई, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट, अर्थात एक वाट बराबर होता है, डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है भाई, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो जूल पर सेकंड, ठीक है भाई। हाँ, तो यहां से मात्रक क्या होगा, जूल पर सेकंड, अर्थात वस्तु वस्तु द्वारा एक सेकंड में एक जूल कार्य किया जाता है, तो उसकी शक्ति एक वाट कहलाती है। अगर सिंपल से हम डेफिनेशन बोले तो वस्तु द्वारा एक सेकंड में जितना का एक जूल कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति क्या कहलाती है, वाट कहलाती है। शक्ति का प्रायोगिक मात्रक असौ शक्ति या होर्स पावर, इसे क्या बोलते हैं, एक होर्स पावर में 740 वाट होते हैं, ठीक है भाई। चलो देखते हैं इसमें पॉइंट नंबर 14 में बल एवं वेग के पदों में शक्ति, अगर हम बल और वेग के पदों में शक्ति बताएं तो क्या बन निकल के आते हैं, पी बराबर हमें पता है क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी, और डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कोस थीटा, क्या डब्ल्यू बराबर क्या होता है भाई, एफ एस कोस थीटा, और यहां से क्या एस अपॉन टी, एस मतलब वेग बराबर क्या होता है भाई, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो यहां पर क्या विस्थापन एस है और टी क्या है समय, तो इसे क्या लिख सकते हैं, एफ वी कोस थीटा, एस अपॉन टी को वी लिख सकते हैं ना, यहां से क्या निकल के आएगा, एफ वी कोस थीटा, और एफ बराबर हमें पता क्या होता है, एफ बराबर होता है एम ए, अगर एम एफ ए एफ बराबर एम ए पुट अप करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एम ए वी कोस थीटा, ठीक है भाई। चलो, या हमें पता है क्या कि W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा के भी इक्वल, तो P बराबर क्या होगा, एम जी एच अपॉन टी भी लिख सकते हैं, W अपॉन टी होता है ना P बराबर, तो डी पी इसकी जगह एम जी एच रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एम जी एच अपॉन टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 15 में क्या कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु क्षैतिज से थीटा डिग्री पर स्थित नत तल पर नियत वेग से
खींची जाती है, तो व्यय हुई शक्ति क्या होगी, P बराबर क्या होगा जल्दी बताइए, P बराबर एम जी साइन थीटा इंटू वी, पी बराबर क्या होगा एम जी साइन थीटा इंटू वी। यदि क्या है किसी नत तल पर, नत मतलब इस तरह इस टाइप से उस नत नत तल पर वी वेग से खींची जाती है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से P बराबर एम जी साइन थीटा इंटू वी। और यही क्या वस्तु रुच तल पर धकेली या ठेली जाती है, अगर क्या वस्तु रुच तल पर क्या हो धकेली या ठेली मतलब धकेली या उसे आगे को धक्का दिया जाता है ठेला जाता है, ठीक है, तो क्या होगी उस पर एनर्जी वस्तु, तो वस्तु मतलब उस पर एनर्जी क्या होगी, P बराबर एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा इंटू वी, ठीक है भाई। चलो पॉइंट नंबर 16 में देखते हैं क्या, यदि एक मशीन गन प्रति सेकेंड एम द्रव्यमान की गोली एन मतलब एम द्रव्यमान की एन गोली है, ठीक है, उन्हें वी वेग से छोड़ती है, तो मशीन गन की शक्ति क्या होगी भाई, P बराबर हाफ एम एन वी स्क्वायर, क्या P बराबर हाफ एन एम एन वी स्क्वायर, इसका मतलब जो m द्रव्यमान की गोली n गोली कोई मशीन गन से छोड़ दी जाती है और v वेग से छोड़ते हैं, तो मशीन द्वारा मशीन की शक्ति क्या है P बराबर हाफ एम एन वी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। चलो देखते हैं लास्ट पॉइंट नंबर 17, पॉइंट नंबर 17 में क्या, रुच क्षैतिज सतह पर नियत वेग v से चलने के लिए आवश्यक शक्ति क्या होगी, P बराबर म्यू एम जी वी, क्या होगी P बराबर म्यू एम जी वी, तो शक्ति P बराबर क्या होगी भाई म्यू एम जी वी। तो फ्रेंड्स कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़, मैंने आपको फर्स्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तभी बताया कि भाई किसी को किसी भी चीज़ मतलब एयरफोर्स रिगार्डिंग कुछ भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरा नंबर निकाल सकते हो वहाँ से आप, ठीक है, और हाँ ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और कल मैंने वीडियो प्रोवाइड नहीं करी उसका बहुत बड़ा रीज़न था, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, अगर आप वीडियो शेयर करोगे तब मेरा मोटिवेशन हो मुझे मेरा मोटिवेशन ओवर होगा, अगर मोटिवेशन ओवर होगा तभी मैं आपके लिए डेली बेसिस पर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।